नील फिर से आप कोई नील नहीं कोई और बन के घूम रहे हैं आजकल तो हाँ मैं ओंकार सिंह बन के घूम रहा हूँ। एक डिस्गाइज लुक है जो कि मैंने नीलम आ को बचाने के लिए बेसिकली, और मैं चाहता हूँ कि अवनी जेल में रहे और अवनी जेल से बाहर निकल के ना आए, बिकॉज जैसे ही दोबारा इस बार निकलेगी तो मैं बचा नहीं पाऊँगा। दिस इज द रीज़न वाई आई टेकन दिस लुक, और ताकि मैं विद्युत के अगेंस्ट एक जो प्रूफ्स हैं वो इकट्ठे करूँ और नीलम आ को और मिस्टी को बचा के लेके आऊँ। तो ये डिस्गाइज लुक कितना काम आ रहा है आपको नीलमा को बचाने के लिए, कितने करीब पहुंच रहे हैं आप? और आई थिंक काफ़ी काम आ रहा है बिकॉज अभी तक कोई मुझे पहचान नहीं पाया, और काफ़ी करीब भी हूँ जस्ट बिकॉज अवनी एक और बार बाहर आने की कोशिश कर रही थी बट मैंने उसे रोका जाके जब मैं उसे जेल में मिलने जाता हूँ कल के सीन में जो हुआ, और तो मुझे देखती है शॉक रह जाती है। एंड यू नो एक काफ़ी दिनों बाद नील और अवनी मिले तो एक अलग मोमेंट बने। क्या आज तो पूरा उल्टा ही हो गया, काया पलट, मतलब कुछ सोच रहे हैं आप और गाड़ी शायद टकरा गई तो ये क्या सीन? हाँ मेरे दिमाग में एक्चुअली काफ़ी फ्लैशेस जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ अभी से, अवनी ने कैसे मुझे ग्रेव से डिक किया, और यू नो मिस्ट्री जब गिरी थी जूही के साथ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उस दौरान कैसा क्या हुआ था, मुझे जो मैंने अवनी को जेल भेजा था अपने दिल पर पत्थर रख के, तो वो सारे फ्लैशेज जा रहे थे। और जा के मैं एक ट्री से जाके टकरा जाता हूँ और जो होता है वो होता है। नहीं फाइट सीन नहीं है ये, एक अपने में खोए वाले अपने आप से एक फ़ाइट से कहते हैं कि अपने आप से लड़ने वाली बात है कि, और एक डेडिकेशन के साथ मैं बोलता हूँ कि अब इस बार अपनी को बस जेल से बाहर निकालना है क्योंकि उसने 6 महीने साल भर जो दिए हैं जेल में वो मेरी वजह से दिए, और इस बार जो भी जंग है वो इस बार सारी ख़त्म हो जाएंगी और मैं उसे वापस लेके आऊँगा। तो लास्टली आपकी जान यहाँ बचेगी या नहीं? वक्त बताएगा। थैंक यू।